हाय गाइस, मैं सर चंदन पर पाल मोटर्स दिल्ली। आज हम आप लोगों के लिए कंप्लीट न्यू कार लेके आए हैं जो कि कंप्लीट मॉडिफिकेशन के लिए आई थी हमारे पास। करते हैं गाड़ी कौन सी है, गाड़ी रहने वाली है मारुति की XL6 जो कि न्यूली लॉन्च एडिशन है। गाड़ी है इसका जीटा मॉडल। कस्टमर को इंटीरियर से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उन्होंने इंटीरियर अपग्रेड कराया। लाइटिंग से प्रॉब्लम थी तो लाइटिंग भी अपग्रेड कराई। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या करा हमने और कैसे प्राइसिंग रहने वाली है। पहले बात करते हैं फ्रंट साइड से। गाड़ी में ऑलरेडी हेडलैम्प्स कंपनी से इंस्टॉल्ड थे और LED ही फॉग लैम्प भी कंपनी से इंस्टॉल्ड थे। कस्टमर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द LED लैम्प्स, सो ही वॉन्टेड टू अपग्रेड। सो हम लोगों ने इसमें ओजून के बाईफोकल LED जो कि 2090 प्रोजेक्टर है ये हमने इंस्टॉल करा, जो कि फैंटास्टिक रिजल्ट के साथ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं 0-0 फिटमेंट के साथ है इसमें, मतलब कोई वायर कटिंग नहीं हुई, एवरीथिंग वॉज प्लग एंड प्ले। आप रोशनी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अभी दिन का टाइम है तो इतना जज नहीं कर पा रहे, बट इट इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्राइट। तो अब ये हो गया हमारे फॉग लैंप्स की। अब सेकेंडली उन्हें ग्रिल में भी थोड़ी सी एक्सेसरी एड ऑन करनी थी, तो उन्होंने ग्रिल लाइट्स भी इंस्टॉल करी है। अब इधर से हम साइड की बात करें, प्रोफाइल की बात करें, तो हमने इसमें डोर वाइजर इंस्टॉल करे जो कि 6 पीसेज में रहने वाले हैं। साथ ही में इसमें क्रोम गार्निश भी लगाई है। अब कस्टमर थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे, उन्हें ज़्यादा क्रोम या ज़्यादा एक्सेसरी नहीं लगानी थी बाहर से, तो हमने साइड्स पे सिर्फ ये दो एक्सेसरी इंस्टॉल करी है। ताकि रियर की बात करें तो रियर पे हमने एक तो स्पॉइलर इंस्टॉल करा जो कि ब्लैक कलर में रहने वाला है, थोड़ा सा इसको स्पोर्टी टाइप की लुक देता है। साथ ही उन्होंने थोड़ा सा वो कंजेस्टेड एरिया में रहते तो उन्हें रियर गार्ड भी लगाना था जो कि ब्लैक कलर में आता है। ये लेटेस्ट अपडेट मैं बोलूँगा आया हुआ आजकल। अब बात करते हैं इंटीरियर की तरफ चलते हैं कि क्या करते हैं अब इंटीरियर में। सबसे पहले आपको मैंने जैसे कि बताया एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल है जो कि K4 मॉडल है, और साथ ही में आप देख सकते हैं हमने मार्बल फिनिश में इसमें हाइड्रो डिपिंग भी करी है, जो कि 10 पीसेस का सेट आता है जिसमें डोर पैनल्स भी इंक्लूडेड है, डैशबोर्ड्स वगैरह भी इंक्लूडेड है, वो भी अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या है। साथ ही में देख सकते हैं हमने डोर्स में इसको सॉफ्ट कुशन भी करा है जो कि सॉफ्ट टच बोलते हैं आप लोग, ये चारों डोर्स में हमने करा है। अब अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे मैंने आपको जैसे कि बताया था हमने हाइड्रो डिपिंग करी है, साथ में एम्बिएंट लाइट भी करी है। साथ ही में आप देख सकते हैं जो हमने कस्टम स्टिच्ड सीट कवर्स इंस्टॉल करे बहुत ही प्यारे लुक के साथ हैं, फुल बकेट फिटिंग में और स्टैलियन PU में है जो कि एक्स्ट्रा कुशनिंग भी है। और ये सीट कवर्स जो प्रॉपरली डिज़ाइंड है, दीज आर मेड फॉर द एयर बैग्स, मतलब आपकी गाड़ियों में एयर बैग है तो एयर बैग फ्रेंडली भी हैं। अब एयर बैग फ्रेंडली कैसे, यहाँ पे साइड पे कट आता है जिससे ये पूरा एयर बैग अगर फ्यूचर में कोई बाई चांस भी कोई मिसहैप नहीं होती है तो प्रॉपरली ओपन भी होता है। साथ ही में अब मैं आपको पिलर्स वगैरह भी दिखाता हूँ, हमने इसमें पिलर्स पे भी पूरा रैप करा है लेदर जो कि ऑल 6 ऑफ द पिलर्स हैं, तो आप ये साइड्स पे भी देख सकते हैं। चलिए अब पीछे की साइड चलते हैं और मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाता हूँ कि अंदर क्या। गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, मैं रियर सीट पे हूँ। रियर सीट पे आने का पर्पज़ था कि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी कि XL6 में दो कैप्टन सीट्स आती है, तो बीच में हम लोग एक्स्ट्रा सीट भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि हमने इसमें करी गई है। और साथ ही में ये वाली सीट हमारी एक आर्मरेस्ट का काम भी करती है, कप होल्डर का काम भी करती है, और जो आपके नॉर्मल ये जो आर्मरेस्ट है वो भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं। बहुत प्यारी सीट कवर की फिटिंग मैं बोलूँगा, मेरा ये पर्सनल फेवरेट कलर है जो कि इंटीरियर का हमने करा है, और ये सीट हमारी रिमूवेबल भी है। साथ ही में मैंने आपको पिलर्स वगैरह दिखाए थे, आप रियर की तरफ देख सकते हैं हमारा वर्क करने का स्टाइल। जैसे कि आपने हमारा ऑडियो में प्यार दिया है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे से इंटीरियर वगैरह करवाएंगे या मॉडिफिकेशंस कराएंगे आपको वो भी उतना ही पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर की तरफ गाड़ी की तरफ बैठ के कि ऑडियो में भी हमने इसमें अपग्रेडेशन करी तो वो क्या करा। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, मतलब बैठ के गाड़ी में कोई जज नहीं कर सकता, ये मारुति की गाड़ी है, बिल्कुल लग्जरी फील आ रही है। आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए
कि मतलब कितना प्रीमियम फील आ रहा है इसके साथ और पूरी लुक को ये एनहेंस कर रहा है। और ये आप स्टेयरिंग कवर की फिटिंग देख सकते हैं, प्रॉपरली लग्जरी वाली फील आ रही है। और साथ ही में अभी डोर पैनल देख सकते हैं जिसमें हमने एम्बिएंट लाइटिंग लगाई है हाइड्रो डिपिंग के साथ। सॉफ्ट टच बहुत ज़्यादा गेटअप आ रही है इससे, मतलब पूरी लुक एनहेंस हो रही है। पिलर्स वगैरह हो गए, मतलब कस्टमर ने वो चीज़ नहीं करवाई कि बहुत ज़्यादा थोड़ा चीप लगे, इन्हें प्रीमियम लुक चाहिए थी तो हमने ये करा है। ज़्यादा ऊपर भी नहीं बोलूँगा बजट में और ज़्यादा लोअर भी नहीं बोलूँगा, प्रीमियम काम करवाया कस्टमर ने। अब मेन हम लोग आते हैं ऑडियो क्या करें। सबसे पहले आप जानते हैं हम लोग मेगा ऑडियो का डायमंड सेल करना प्रेफर करते हैं, चाइनीज भी आते हैं बट हम लोग सेल नहीं करते। तो हमने मेगा ऑडियो का 10.1 इंचेस जो कि लेटेस्ट अपडेट है वो हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है। साथ ही में आप देख सकते हैं हमने इसमें रियर कैमरा भी इंस्टॉल करा है। ये आप देख सकते हैं पूरा HD कैमरा है, मूविंग लाइन्स के साथ हमने इंस्टॉल करा है। और ये हमारी इसमें आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, क्लैरिटी अल्टीमेट है। और सबसे बड़ी बात है इसमें हमने ब्लैम ऑडियो के कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल करे जो कि प्लग एंड प्ले में बेस्ट स्पीकर्स बोलूंगा मैं, तो आप आउटपुट सुन सकते हैं अभी। आप स्क्रीन क्लैरिटी भी देख सकते हैं, अल्टीमेट बोलूंगा मैं, प्योर साउंड क्वालिटी, प्योर साउंड आउटपुट आ रही है। साथ ही में इसमें चारों डोर्स में हमने डैम्पिंग भी करी है। अब सारी चीज़ें छोड़ के अब आपको मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ जिसके लिए आप पूरी वीडियो देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फॉग लैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हमारे पास 8,500 रुपये से शुरू हो जाते हैं। और बात करें साइड प्रोफाइल की, डोर वाइजर 1400 से शुरू हो जाते हैं, क्रोम आपकी 1200 से शुरू हो जाती है, स्पॉयलर हमारा 2500 से शुरू हो जाता है और रियर गार्ड 1400 से शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इंटीरियर पे। जितना भी आप इंटीरियर में देख रहे हैं इसकी अप्रॉक्स कॉस्टिंग 25,000 रुपीज़ है जिसमें आपका हाइड्रो डिपिंग, सीट कवर्स, पिलर्स, मैट्स ये सब इंक्लूडेड है। अब बात करें हमारे प्लेयर के बारे में, डायमंड प्लेयर 10,000 रुपये से शुरू हो जाता है। कंपोनेंट स्पीकर्स हमारे पास 3500 से शुरू हो जाते हैं और डैम्पिंग हमारी 500 की शीट से शुरू हो जाती है। सो मैं आशा करता हूँ कि मैं लेटेस्ट आपको थोड़ा कंटेंट अब नया दे पा रहा हूँ ताकि आप ऑडियो पे ना सोचे कि भैया सिर्फ ऑडियो ही करते हैं। देखिए हम लोग ऑडियो के अलावा भी पूरी कंप्लीट कार मॉडिफिकेशन भी करते हैं बट वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें आपकी गाड़ी की वायर कटिंग नहीं हो, जिससे आपकी वारंटी वर्ड ना हो। आपने 5 वीडियो से ज़रूर हमारा ये ट्रेंड देखा होगा। हम लोग वो काम नहीं करते कि MGP जेन्युइन एक्सेसरीज ले लो या साइड मिरर लगा दो, वो भी करते हैं बट इतना नहीं करते जिससे वायर कटिंग हो। हमारे पास थोड़ा सा अच्छा काम ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं मार्केट से। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और कहीं से भी काम करवाइए, अच्छा काम करवाइए, मैं हर वीडियो में ज़रूर बोलता हूँ। और कहीं से कुछ भी करवाइए, GST बिल वाला कराइए ताकि आपके पास चीटिंग का कोई सोर्स ही ना रह जाए कि आपके पास आपके साथ कोई चीटिंग हुई है। बाकी अगर आप आ नहीं सकते, हमारे यहाँ से कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो नीचे लिखे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके, हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको इधर फ्लैश होती दिख जाएगी, इस पर आप ऑर्डर करके आप ऑल ओवर इंडिया हमारे से शिपिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।